लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वनमाली, उसको तीनों तरफ ढूंढते ढूंढते थक गया, पांव दुखने लगे। अब पश्चिम की तरफ वो पत्थर वाले पेड़ बाकी है, वहां तो नेक्स्ट लाइट रहते हैं, पर वो लोग नरसिम्हा को हाथ नहीं लगाएंगे। तो क्या हुआ, हम उसे ढूंढ नहीं सकते? उसे ढूंढना ही होगा, नहीं तो मैं। हाँ, मैं समझ गया, तुम यहीं पर रुको, मैं जरा वहाँ से होकर आता हूँ। अच्छा क्यों, तुम उसे अकेले ढूंढोगे? मैं भी चलती हूँ। मैं ढूंढने नहीं जा रहा हूँ। तो लगी है। ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ, जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा, सोने थोड़ी जा रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगी है क्या? बहुत जोर की। तो चलना, तुझे कार्ड दे के निमंत्रण दूं। ये नरसिम्हा भी कहाँ चला गया? ये देख, वो असरी है ना। बाप रे, हाँ भाई। इसका मतलब ये मारा नहीं क्या? भूत तो नहीं है ना भाई। पेशाब करते समय डरा मत यार, जरा इसके पैर देख, इंसान की तरह ही चल रहा है भाई। हाँ, मतलब ये भूत नहीं है? लगता तो नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है? चल देखते। साहब, कहाँ गया था तू? साहब वो मूतने गया था साहब। अबे मूतना भूल जाएगा? नरसिम्हा ने अगर गलती से भी अपना मुंह खोल दिया ना, तो हम सबके गले में फंदे होंगे। वो दो दिन से कहा है कुछ तो गड़बड़ है। चिंता नहीं करने का साहब जी, सब सही हो जाएगा। क्या रे आसरे? साहब तू कुछ भूल तो नहीं रहा है ना? कुछ नहीं भूला साहब, सब कुछ तैयार है। हमारे हमले के बाद पूरा गांव जल जाएगा। चल निकल यहाँ से। वनमाली, इतनी देर क्यों लगा दी? जोर से मत बोल, असरी है ना, वो जिंदा है, पूछ इससे। अब देर मत करो, चलो यहाँ से। इस बार हमें किसी भी तरह सभी पशुओं को बचाना है। नरसिम्हा, नरसिम्हा! क्या हुआ अप्पू? असरी जिंदा है, हमने खुद उसको देखा। मालूम है, मुझे तो ऐसा लगता है DF-488 और असरी मिलकर रात को कुछ गलत करने वाले हैं। हमें यही जानना था। उन लोगों को हम रोकेंगे कैसे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सोचने के लिए टाइम नहीं है, अपने सारे लोगों को आसपास के गांव में पहरा देने को बोल दो। अगर किसी गांव में कुछ सुनाई दे तो वो रॉकेट चलाएगा। अपुन उन चारों गांव के बीच में रहेगा। बहुत अच्छी सोच है, तुम गुस्से में होकर भी सही दिशा में सोचते हो। जब तक इनको मारेगा नहीं, अपुन चैन से नहीं सोएगा। इस नरसिम्हा के युद्ध को नरसिम्हा ही खत्म करेगा। इतनी रात को पटाखे कौन फोड़ रहा है रे? इससे क्या फर्क पड़ता है, जो करने आए हो वो काम करो। चलो हाँ।
तूने ऐसा क्यों किया? तू तो घर का हिस्सा था। लेकिन मैं हमेशा ही घर का हिस्सा ही रहता था, अपना घर तो कभी नहीं बना पाता। क्यों रे, तेरे को दुख नहीं हुआ क्या? दुख तो हुआ, पर मैं करता भी क्या मालिक? नहीं मालिक, नहीं मालिक, मेरे छोटे बच्चे हैं, इतने सालों से मैंने ही तो आपको पाला है ना मालिक। नहीं, तेरे को मारने के लिए अभी तक सोचा नहीं था, लेकिन अब तू अपुन के हाथ से ही मरेगा। हाँ। किसी की भी लाश दिखनी नहीं चाहिए, गाड़ दो सबको। हो जाएगा नरसिम्हा। चलो बड़े भाई, निकलते हैं। रुको, संभाल के। तू संभाल के रहना वरमाली। एक बात याद रखना, मैं वापस आया तो शादी मनाएंगे, अगर नहीं आया तो मेरी याद को संभाल के रखना। अगर इस जंगल को बचाते वक्त अपुन मर गया तो तू ध्यान रखना। चलता है अपुन, जल्दी आना भाई। जो दूध हम रोज पीते हैं, कम से कम चाय के लिए ही सही, हमें इन पशुओं को संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन उस जमाने में कोई इन पशुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहा था? मुझे एक छोटा सा डाउट है, वो जंगल तो बेशकीमती चीजों से भरा था, फिर वो लोग गाय के चमड़े के पीछे क्यों पड़े थे? मुझे भी यही संदेह हो रहा था, वे गाय के चमड़े का क्या करेंगे? ये तो एक मामूली चमड़ा है। केल्विन, मैं इस दुनिया को कुछ जबरदस्त देके जाऊंगा, बचपन से यही मेरा सपना है। वो सही है या गलत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ नाम होना चाहिए। मैं कई सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। लुक एट दिस, ये मेरी 15 साल की मेहनत है, पूरी दुनिया की किस्मत बदल दे ऐसा हथियार। कामयाबी, कामयाबी। सो मुझे मीटिंग करनी है ईरान गवर्नमेंट से। श्योर। एक रिसर्चर होने के नाते मेरी एक खोज एक देश की किस्मत बदल सकती है इस युद्ध में। व्हाट? यस, आप लोगों ने सही सुना, पूरी दुनिया में ईरान एक छोटा देश है। हमारी आर्मी भले ही छोटी है, पर हमारी आर्मी मजबूत होनी चाहिए, और ऐसे में हम ईरान से वॉर करने वाले हैं। तो क्या? ये वो चीज है
जिससे हम युद्ध जीत सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं? अब युद्ध में घोड़ों को छोड़कर गायों का इस्तेमाल करेंगे? तो हमें ऐसा लगेगा युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, गाय को चराने के लिए जा रहे हैं। पहले मुझे बात खत्म करने दो, फिर मेरा मजाक उड़ाना। हम इस युद्ध के लिए गाय का नहीं, चमड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके स्किन कोट से बने वेस्ट से एटम बॉम्ब के रेडिएशन से भी हम बच जाएंगे। इस चमड़े के आर पार बुलेट भी नहीं जा सकती, धमाके में भी इसे पहनने वाले आदमी को खरोच भी नहीं आएगी। तो हमसे स्ट्रॉन्ग वॉर में कोई नहीं होगा। वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द फील्ड। सिर्फ इराक के साथ नहीं, फ्यूचर में होने वाली किसी भी वॉर में हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये बहुत अच्छा है कि इस मीटिंग में दुनिया के बड़े बड़े लोग आए हैं। सिर्फ एक बार सोच के देखिए, इस समय होने वाले युद्ध में इसका बहुत फायदा होगा। क्या बोलते हो? मैं इस मटेरियल को 500 करोड़ में आपको दे सकता हूं, डील ओके? हम यकीन कैसे करें? ओके। इसे मैंने केमिकल लगा के रेडी किया है। अगर किसी को डाउट है तो शूट इट। इज इट ट्रू? ट्राई इट। That is the point. इस गाय के चमड़े को जब मेरे बनाए केमिकल से ट्रीट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन हम चाहे तो भी नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी गाय है ही नहीं। Iran doesn't have domestication. वो आप मुझ पे छोड़ दें, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। It's a deal. हमें उसकी जानकारी चाहिए। ओके। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेशन होता है इंडिया में। आप जानते हैं मैं पहले भी नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में गया हूँ। वहाँ जब मुझ पर हमला हुआ था, तब मुझे बचाने वाली एक गाय ही थी। उस दिन मुझे समझ में आया गाय की ताकत क्या होती है। वहां की सारी गायों में ये खासियत नहीं है, सिर्फ कुछ ही गायों में है, खास करके चितकबरी। इट्स ग्रेट, बट उन पर मेरे बनाए केमिकल ऐड करने से ही ये पावर मिलती है। वो सब तो ठीक है, पर हम आपका यकीन कैसे करें? ये एक गंभीर मामला है इंडिया में। वहां के गाय के चमड़े को तुम कैसे लेकर आओगे? ला सकते हो क्या? ला सकता हूं, मेरा साथ देने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं। कौन है वो? करीम रिजवी। डील ओके। जैसे ही सारा काम हो जाएगा, हम मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे, पर हमारी एक कंडीशन है। तुम्हारे इस काम से हमारी गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। अगर इस काम में कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये इलीगल काम है, तो हमारी गवर्नमेंट पीछे हट जाएगी। वैसे भी हम इंडिया से दुश्मनी नहीं करना चाहते। ये क्या सर, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप इतना नहीं कर सकते? क्यों सर, तुम फ्री में थोड़ी ना कर रहे हो। अगर फ्री में कर रहे होते तो ये सोचते तुम अच्छे काम के लिए कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, बुरे लोगों को ही इतिहास में याद रखा जाता है। वहां की रिस्ट्रिक्शंस कैसी है? कोई प्रॉब्लम हुई तो? नहीं होगी, क्योंकि इस काम के पीछे है करीम रिजवी, उसके होते हुए
प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। मर गया कमीना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, आइए। मामला क्या है? इट्स टाइम टू गो टू इंडिया। हम सब के लिए इट इज जस्ट अ स्किन, लेकिन उनके लिए युद्ध में शत्रु के खिलाफ कवच का काम करने वाली थी। अब आप समझ गए होंगे, उन्होंने सिर्फ गाय की स्किन से एक घातक हथियार तैयार किया था। इसका मतलब गाय के चमड़े से अद्भुत चमत्कार ईजाद किया? अद्भुत चमत्कार ईजाद करना बड़ी बात नहीं है, पर हम उस चमत्कार से पूरी दुनिया को क्या सीख देते हैं ये जरूरी है। अगर हमारे किए काम से समाज को हानि पहुंची है तो उन्हें रोकने के लिए कोई ना कोई जरूर खड़ा होता है। फिर वो इंसान एक अद्भुत चमत्कार की तरह दिखता है।